हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए रेलवे के स्टॉक को देखो और IRCTC को डेफिनेटली आप भूल जाओगे अगर रेलवे के स्टॉक को देखोगे तो। ये स्टॉक जो है वो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? मेनली ये स्टॉक ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड के लिए फेमस है, बोनस के लिए फेमस है। पिछले एक साल में जब से ये मार्केट में आया है, इसने कई बार डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है और बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए बोनस भी इसने अनाउंस कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इसका वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे ऐसा था कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली थी, लेकिन अब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है। कितना डिविडेंड है, कब क्या रिकॉर्ड डेट है, कंपेरिजन करते हैं इसका IRCTC के साथ साथ, इन सारी बातों को देखते हैं छोटे से वीडियो में। और देखिए आज मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, और क्योंकि अभी जो विंटर वैकेशंस थे वहाँ पर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था और इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो। मैं अपलोड आपको डे टू डे बेसिस पे कनेक्ट नहीं कर पाया, तो ये बहुत टाइम बाद आया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ये न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है रेलवे के स्टॉक के डिविडेंड की। देखते हैं इसके बारे में छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सीधे लेके चलता हूं आपको रेलवे के स्टॉक की तरफ, जरा समझिए। और इशारा तो आप समझ ही गए होंगे IRCTC से, बहुत ही ज़बरदस्त अभी IPO आया था मार्केट में। अभी देखिए 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, डेट फ्री स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त 880 के आसपास की प्राइसिंग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये शेयर एक मोनोपोली वाला शेयर है। लेकिन अगर मैं जो स्टॉक को आपको दिखा रहा हूँ उसको देखोगे तो आप, मैं कहूँगा IRCTC को आप साइड रख दोगे, उस स्टॉक को आप देखोगे। क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं IRCTC की तो 10 से 11% की है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 13% की है। लेकिन जिस स्टॉक को मैं दिखा रहा हूँ आपको, जरा समझ तो जरूर के होंगे, क्योंकि रेलवे के यहाँ पे तीन बढ़िया स्टॉक हैं छोटे छोटे, एक IRCTC है, एक RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड है, वो भी अपने जो है बाइंग रेंज में आ रखा है, और तीसरा स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है राइट्स लिमिटेड, यानी कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त एक स्मॉल कैप का शेयर है, जो कि 7,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ना के बराबर का डेट इसका है 36 करोड़ का। लेकिन वही चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करोगे IRCTC के साथ तो आपको ये अव्वल दर्जे का स्टॉक निकल के आएगा। 18% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज, सेल्स ग्रोथ 23% की, और साथ के साथ इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड देखिए आप चौंक जाओगे, 3.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड। अभी मैं आपको डिविडेंड दिखाऊंगा किस तरीके से अभी इसने लेटेस्ट डिविडेंड अनाउंस किया है, और रिसेंटली एक न्यूज आई थी इसने अपना ऑफर फॉर सेल भी किया था। अभी जो 87% की इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है वो कम होके अभी और भी कम हो गया, सरकार ने अपना 10% के आसपास जो है माल और बेच दिया है, अपनी जो होल्डिंग है और बेच दी है, और जो उसकी प्राइसिंग थी वो स्टॉक देखिए उसी की रेंज में 270-275 के आसपास वो पड़ा था रिटेल इन्वेस्टर को, अभी भी स्टॉक 285 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो डिविडेंड की, फिर से डिविडेंड, अरे वाह, आप कहोगे भाई चौंकाने वाली खबर, फिर से डिविडेंड। अब इस स्टॉक की बातें देखिए आप, जो फंडामेंटल्स है जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर आप रेशियो को देखते हो तो 31-32% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी को देखोगे तो 20% के आसपास है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। मुझे ये स्टॉक अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ टाइम से लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं 2015 की बात करूँ तो देखिए 1,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2016 में देखिए 1,100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, फिर वो बढ़ता है 1,300 जाता है, फिर 1,500 जाता है, फिर 2,000 जाता है, फिर 2,500 करोड़ के पार जाता है रेवेन्यू, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया। अभी रिसेंट जो प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे देख पा रहा हूं मैं पिछले 12 मंथ्स की, वो 600 करोड़ के पार जा चुकी है, और एवरेज अगर आप देखें पिछले 3 साल का एवरेज बहुत ही बेहतरीन है। और नो डाउट ये स्टॉक जब मार्केट में आया था, राइट्स के स्टॉक को मैं कहूँगा, फिर से आप देखिए जब मार्केट में आया था तब जो प्राइसिंग रखी गई थी वो प्राइसिंग अगर देखा जाए तो 185 के आसपास थी, लेकिन बोनस ये ऑलरेडी दे चुका है और एडजस्टेड प्राइस और भी ये एडजस्ट हो चुका है। ये स्टॉक क्यों फेमस है, क्यों मैं इसको कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, वो इसलिए क्योंकि इसके डिविडेंड और बोनस की वजह से। सरकार ने यहाँ पे अभी ऑफर फॉर सेल किया था और ऐसा लग रहा था कि डिविडेंड जो है कम अनाउंस करेगी, लेकिन भाई प्रॉफिट हुआ था, उन्होंने डिविडेंड फिर से ले लिया। अब देखिए जब से ये मार्केट में आया है, 2 रुपये का डिविडेंड और 4.75 रुपये का डिविडेंड, 4 रुपये का डिविडेंड, 4 रुपये का डिविडेंड फिर दिया, और इस बार देखिए फिर से जैसा कि लास्ट ईयर 2012 में इसने डिविडेंड दिया था 4.75 रुपये का दिया था, और इस बार उम्मीद थी कि कम डिविडेंड देगा, लेकिन ये उम्मीद से कहीं ऊपर इसने डिविडेंड दिया। जरा देखिए डिविडेंड को, अनाउंसमेंट जो हुई थी डिविडेंड की, जैसा मैं देख पा रहा हूँ पहले ही पता था कि डिविडेंड आने वाला है, कितना डिविडेंड आएगा ये किसी को नहीं पता था और कम आएगा ऐसा अनुमान था, लेकिन यहाँ पे मैं शॉकिंग कहूँगा कि 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मैं कहूँगा अरे वाह भाई मज़ेदार डिविडेंड दे दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, फ्राइडे 27
दिसंबर को ये डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, और ये जो रिपोर्ट है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद है, ये है ऑलमोस्ट 7:15 बजे की रिपोर्ट है। तो यानी कि ये इतने लेट की रिपोर्ट है, इसका मतलब कि मंडे को इसका असर देखने को मिलेगा आपको इस स्टॉक के प्राइसिंग पे। अब जब डिविडेंड की बात आती है, बोनस की बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट उससे रिलेटेड जो होती है वो होती है रिकॉर्ड डेट। और अगर आपको रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टेड हूँ या मैंने अब खरीदा था, तब खरीदा था, कब खरीदो डिविडेंड, तो इससे रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको देखिए। उससे आपकी क्लैरिटी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल में जो रिकॉर्ड डेट यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर करी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है 10 जनवरी 2020, और आज की डेट है 28 दिसंबर 2019। यानी कि आप रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम जो है वो बुक्स में होना चाहिए, यानी कि आपको डिविडेंड जो है शेयर जो है वो पहले खरीदना पड़ेगा, एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना पड़ेगा, ताकि आपको 10 जनवरी के दिन आपका नाम जो है बुक्स में होगा, तभी आपको क्या है डिविडेंड मिलेगा। इस चीज को इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया, स्पेसिफिक वीडियो जो है रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड, उसको देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिलहाल मैं राइट्स के बारे में जो आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया राइट्स और IRCTC का, आप देखिए, खुद देखिए और समझिए IRCTC और राइट्स के। आप चाहे आप रिटर्न रेशियोज़ देख लीजिए, रिटर्न रेशियोज़ में IRCTC 43% 27% के आसपास है, और राइट जो है 31% 20% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ में राइट्स जो है अच्छा जाता है, इवन अगर आप देखें IRCTC सेल्स ग्रोथ, IRCTC 10 से 11% के बीच में। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की एवरेज राइट्स की ज़्यादा बेटर है IRCTC से। और जो तीसरा स्टॉक है यहाँ पे, इसीलिए मैं इन 3 स्टॉक का कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ, क्योंकि तीनों एक ही सेगमेंट के जरूर हैं, लेकिन दोनों जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रेल विकास निगम लिमिटेड और राइट्स। IRCTC एक यूनिक शेयर है, यूनिक शेयर रेलवे का स्टॉक जरूर है लेकिन यूनिक शेयर है। उसका मेजर रेवेन्यू जो है वो आता है टिकटिंग से, उसके अलावा वो जो टूरिज्म एंड ऑल है उसमें से भी उसका पैसा आता है, लेकिन मेजर रेवेन्यू टिकटिंग से आता है, और टिकटिंग में मोनोपोली है। कभी भी आप ट्रेन बुक करते हो, ट्रेन के टिकट बुक करते हो, तो द मेन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आता है क्या, IRCTC। एक जैसा आप MakeMyTrip.com से कर लो, GoIBIBO से कर ले, कहीं से भी आप बुक करोगे, तो वो जो APIs होती हैं वो आपकी IRCTC की API ही बाहर एक्सपोज होती है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से IRCTC, तो इसीलिए मैं आपको यूनिकली बता रहा हूँ। लेकिन राइट्स को अगर आप देखोगे तो भाई राइट्स का शेयर जो है वो शेयर मेजरली डिविडेंड बोनस, आपको यकीन नहीं होगा, जब से ये मार्केट में आया है, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में आने से पहले, अभी देखिए रिसेंटली इसने 1:4 का बोनस दिया है, मतलब हर 4 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस में दे दिया। बोनस में देने का देखिए, जब मार्केट में आया, ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री इसकी है नहीं, मार्केट में आया था ये जुलाई 2018 को, 1.5 साल ऑलमोस्ट इसको हो चुका है। उस टाइम की प्राइसिंग, ये एडजस्टेड प्राइसिंग आप देख लीजिए, बिल्कुल पीक बनाया इसने ऑलमोस्ट 178-180 के आसपास, फिर ये करेक्ट होकर नीचे आया, उसके बाद फिर से इसने पीक बनाया, फिर नीचे आया, फिर अभी रिसेंटली इसने 324 का पीक बनाया, ये एडजस्टेड प्राइस है, 324 का पीक बनाने के बाद फिर से करेक्शन हुआ। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर, ये डेली चार्ट है, आप इसको देखें डेली चार्ट को, गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी बन चुका है। गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद डायमंड अपॉर्चुनिटीज में आई थी, ये 22-23 अगस्त को डायमंड अपॉर्चुनिटी आई थी, जब ये वापस अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के पास आया था। उसके बाद अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, जब ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे उम्मीद बिल्कुल देखिए सपोर्ट के पास से वापस गया है, और यहाँ पे उम्मीद थी कि 260 की रेंज में सपोर्ट मिलेगा, और उसी रेंज में सपोर्ट मिला और वहाँ से बाउंस बैक हो गया, वापस गया है। अभी मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से फ्राइडे में इसमें एक बड़ी लाल कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन इस डिविडेंड को देखने के बाद इस स्टॉक में एक पॉजिटिविटी आ सकती है। फिलहाल अगर मैं देखूँ कि ये स्टॉक की जो रेंज है, मुझे लगता है अगर इसमें गिरावट भी आती है तो इसी रेंज में 260 से लेकर 280 की रेंज में ही आसपास होवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली इसने 270 से 80 की रेंज में जो है ऑफर फॉर सेल भी निकाला था। और कहीं ना कहीं राइट्स के शेयर को आप देखिए और जरा समझिए, जो फ्राइडे की मैं डिलीवरी देख पा रहा हूँ 55% की डिलीवरी है, और इस डिविडेंड की न्यूज़ के बाद मंडे को थोड़ा सा हलचल इसमें देखने को मिल सकती है। तो आप जरा देखें स्टॉक्स को, समझें। मैं आपको हमेशा स्टॉक जब भी दिखाता हूँ फंडामेंटल बेसिस पे दिखाता हूँ, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए जो बड़े फंड हाउसेज हैं, बड़े फंड हाउसेज मैं कहूँगा कि सरकार का जो होल्डिंग है उसको देखिए, सरकार का होल्डिंग 87% का पहले था, अभी 10% होल्डिंग जो है सरकार ने अपना और निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित इनवाइट किया जा रहा है भी हमारे शेयर्स खरीदो रेलवे के द्वारा।
चलिए ये अपडेट था राइट्स का। राइट्स का मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि 27 दिसंबर 2019 को इसने जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है, 6 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, और 10 जनवरी 2020 की इसकी रिकॉर्ड डेट है। जरा ध्यान से सुने, 10 जनवरी 2020। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कंपैरिजन करके यहां पर हमने दिखाया IRCTC, राइट्स और RVNL का। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।